तो अपने पेपर के सॉल्यूशन चल रहे हैं, बायो का सॉल्यूशन के बाद अपन किसका कर रहे हैं, केमिस्ट्री का कर रहे हैं, रहा है ना। बायो के मिल गए सभी को आंसर, कितने क्वेश्चन सही हुए सभी के, क्या बात कर। अब देखो केमिस्ट्री का जो पेपर है वो निकाल लो, और केमिस्ट्री के भी 40 क्वेश्चन थे पेपर में, और 40 क्वेश्चनों के सबके सॉल्यूशन ले लो, सबका अच्छा गया होगा पेपर, ये उम्मीद है मैं आपसे, और उम्मीद पे तो सारे टीचर लगे उम्मीद की वजह से, है ना। हाँ आपको भी उम्मीद है ना। चलो निकालो पेपर निकालो। पहला क्वेश्चन क्या है देखो पेपर में, पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, हाँ पहला क्वेश्चन है सबसे मिट्टी शर्करा कौन सी है। देखो कितना मतलब क्वेश्चन देखो, मतलब तुम क्वेश्चन देखते हो, देखते जाओ क्वेश्चन नंबर। सबसे मिट्टी शर्करा किसको बताया था अपने, सुक्रोज को, फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, अगर ग्रेनिन होगा माल्टोज फ्रक्टोज ग्लूकोज और सुक्रोज, तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला गया इसमें, डी चला गया सुक्रोज। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दो मोनोसेक्राइड के मध्य पाया जाने वाला बंद क्या है। मोनोसेक्राइड लो, ये एक अपन मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड एक और मोनोसेक्राइड है सर, ये रहा मोनोसेक्राइड। अब इन दो मोनोसेक्राइड को अगर आपस में अपन मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, डाइसेक्राइड, रहा है ना। और डाइसेक्राइड के बीच ये बोल रहा है कि डाइसेक्राइड जब बनता है दो मोनोमर से बनता है, और इनके बीच में जो ये बंद बनता है ना सर, ये क्या कहलाता है, ग्लाइकोसाइडिक बंद कहलाता है सर, बॉन्ड कहलाता है बंद, रहा है। ये क्वेश्चन पूछा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, दो मोनोसेक्राइड के मध्य पाया जाता है, क्या पाया जाता है रे, ऑप्शन क्या है इसमें, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहाँ है, डीप है। अगला कह रहे हैं लिग्निन होता है, लिग्निन क्या है, लिग्निन जो एग्जांपल है ये कह रहा है ये मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, ट्राइसेक्राइड है, और हाँ ना क्या है, मतलब पॉलीसेक्राइड है। तो इसके लिए अपन तो अपने एक नोट लिखा था, पॉलीसेक्राइड होता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपन ने क्या लिखा था, ये जटिल क्या है, पॉलीसेक्राइड है, तो ऑप्शन देखो कहाँ लिख रखा है, पॉलीसेक्राइड बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, जटिल सेक्राइड है, सरल सेक्राइड है, या फिर सभी सत्य है इसके लिए, तो ये सरल सेक्राइड तो होता नहीं, तो सभी तो पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड में क्या चला गया, जटिल, और जटिल कहाँ लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं बी वाला, अरे हाँ यार ठीक है, यह सॉल्यूशन जरूर देखते जाना थोड़ा। अगला कह रहा है कौन सा टेलिनिन मतलब कौन सा है, टेलिनिन है, टेलिनिन क्या है, पॉलीएमाइड है, या पॉलीएस्टर होता है, या पॉलीथीन होता है, या पॉली प्रोटीन होता है, तो टेलिन जो होता है वो क्या कहलाता है, पॉलीएस्टर का एग्जांपल है, अरे पॉलीएस्टर जो बहुलक है उनके एग्जांपल क्या है, टेलिन। तो पॉलीएस्टर के देखो कौन से ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर कहाँ है, पॉलीएस्टर सेकेंड बी। अगला कह रहा है निम्न में से संश्लेषित रबड़ कौन सा है, संश्लेषित रबड़ कौन सा है, ब्यूना एस है, नियोप्रीन है, है ना, या उपयुक्त सभी है, या इनमें से कोई नहीं है, या दोनों है, कौन सा ऑप्शन है, दोनों देखो, ब्यूना एस भी नहीं क्या होता है, संश्लेषित रबड़ होता है, नियोप्रीन भी, तो कहाँ चला गया है पांचवे में, क्या चले गया, सी। अगला कह रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, क्या है, मोनोमर है या पॉलीमर है, क्या है, तो देखो इसकी पॉलीमर, इसको अगर अपन बनाते हैं तो पॉलीमर अपन ने क्या बनाया था, इसको पॉलीमर तो ये अब है सर, CH2 सर ये कहलाएगा पॉलीमर, रहा है ना, तो बताओ कहाँ है, ये तो पॉलीमर है, और ये वाला क्या है, मोनोमर, तो ऑप्शन देखो क्या कहना चाह रहे हैं इनके लिए, बहुलक है ना, एकलक इकाई है, सही बात है, समावयवी भी है किसके, ये तो बताओ, और एकोमर है, तो कौन सा है भैया, एकलक इकाई, तो छः में क्या आ गया, अरे बी, अरे हाँ है ना। अगला कह रहा है देखो PHBV क्या है, प्राकृतिक रबड़ है, या जैव बहुलक है, या जैव निम्न, बिल्कुल सही बात है, क्या कहलाता है, ये जैव निम्नीकरण बहुलक कहलाता है, सी ऑप्शन। अगला कह रहा है सिकरीन है, सिकरीन क्या है, प्रिरक्षण है, या कृत्रिम मर्दूक है, या फिर खाद्य रंग वाला है, या प्रतिऑक्साइड है, तो क्या है, कृत्रिम मर्दूकरण कहते हैं इसको, ऑप्शन नंबर सी, किस में मर्दूकरण, बी में। नौ में क्या है,
दर्द निवारक कौन सी है? एस्प्रिन है, पेनिसिलिन है, इंडिगो है, इंडिगो क्या है रे भैया, हाँ सिक्रेडिन है, कौन सा है? एस्प्रिन। दर्द निवारक कौन सा होता है? एस्प्रिन होता है। अगला देखो, एनिसिल, वाओ क्या क्वेश्चन है, पूछना है आपको, बांटो गुणांक पूछा था। वांट ऑफ गुणांक, और अपन वांट ऑफ गुणांक के लिए अपन पढ़ा, ये बोल रहा है एक तो NaCl के लिए पूछ रहा है और एक यूरिया के लिए पूछा है, आया ना। अब ये ऐसे कह रहा है, देखो क्वेश्चन पढ़ो, NaCl का वांट ऑफ गुणांक यूरिया से होता है, यूरिया का तो अपन को पता है कितना होता है, एक। NaCl का अपन को पता है कितना होता है, आई कितना होता है, एक से ज़्यादा होता है, आया ना। तो अपन क्या बोलेंगे, एक से ज़्यादा, और एक से ज्यादा तो कौन सा है भैया, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया 10 में? ए, क्योंकि एक से ज्यादा होता, मतलब यूरिया से तो ज्यादा है ना। अगला कह रहा है सत्य कथन कौन, कथन कौन सा है, आई का मान एक या एक से अधिक होता है। एक, देखो आई का मान मैं बताता हूँ, एक से ज्यादा होता है, एक के बराबर होता है, और एक से कम होता है, ये तीन मान शो करता है वांट ऑफ गुणांक। तो ये ऐसे कह रहा है, या तो एक होगा या एक से ज़्यादा होगा, एक से कम नहीं होगा, ये कह रहा है, तो ये तो लाइन ही गलत होगी। अगला कह रहा है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है, बिल्कुल सही बात है, प्रेशर कुकर जो तुम्हारा है उसमें खाना जल्दी बनता है। खाना जल्दी क्यों बनता है, इसका जो खौतनांक है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अरे हाँ, प्रेशर क्या हो जाता है इसका अंदर का, बढ़ जाता है। तो ये देखो ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है खौतनांक बढ़ने के कारण, तो देखो रीजन भी सही दे रखा है, खौतनांक बढ़ने के कारण। अगला करता है अर्धभाग में झिल्ली में विलेय के कण प्रभावित होते हैं। देखो अर्धभाग में झिल्ली, अपने पढ़ा था प्राशन दाब में, देखो ये नली का पढ़ी थी अपने, और यहाँ पे अपने एक क्या लगाया था, अर्धभाग में झिल्ली लगाया था, रहा है ना। और यहाँ से अपने बोला था यहाँ पे एक्शन जो होता है वो किसके कण होते हैं, विलायक के, विलायक ना कि किसके रहे, विलेय। तो अब आप क्या बोलोगे, ये कह रहे हैं कि अर्धभाग में झिल्ली से विलेय के कण प्रभावित होते हैं, विलेय के नाव के किससे होते हैं, विलाय के कण प्रभावित, तो ये भी गलत हो गया, और गलत ये भी हो गया कि एक या एक से ज़्यादा होता है, लेकिन सही कौन सा हुआ है, प्रेशर कुकर वाला। तो सभी ऑप्शन सत्य हैं, ये गलत है, ऑप्शन कौन सा सही है सिर्फ और सिर्फ 11वें में क्या आ गया, अरे बोलो कौन सा है, बी प्रेशर कुकर वाला। अगला कह रहा है प्रासरण के परिणाम स्वरूप शानदर विलयन का आयतन बढ़ जाता है। देखो लो प्रासरण हो रहा है, प्रासरण के परिणाम स्वरूप इस शानदर विलयन, शानदरण विलयन का आयतन क्या हो जाता है, सही बात है, करते जाओ रे प्रासरण, आप करवाते जाओ, ये जल्दी से प्रासरण जब आएगा आएगा तो इसका जो आयतन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप कह सकते हो क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ता है, और बढ़ता भी कैसे, धीरे धीरे। तो ऑप्शन देख लो क्या है, घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, अचानक से घटता है, ना घटने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा ना, क्योंकि आए ना आ रहे, तो बढ़ता है और धीरे धीरे बढ़ता है, तो अपन ऑप्शन कौन सा दे देंगे, बी बढ़ता है सर। कौन सा अनुशंकी गुणधर्म नहीं है? देखो गुणधर्म हमारे पास अपन ने पढ़ा था प्राशन दाह पढ़ा था, कवतरांग में उन्नयन पढ़ा था, हिमांक बिंदु पढ़ा था, अरे हाँ है ना। लेकिन अपन ने एक ऑप्शन और है जो अपन ने नहीं पढ़ा, और वो क्या, प्रावर्तन अवनमन, ऐसा कुछ भी नहीं है रे भैया, अणुसंख्या गुणधर्मों में ऐसा कुछ भी नहीं है प्रावर्तन अपन। अगला कह रहे सी एच थ्री ओ एच का आई वांट ऑफ गुणांक कितना होता है, अरे है ना कितना होता है, इसका एक से ज़्यादा होता है, क्या होता है, एक से ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन देख लो, एक से ज़्यादा कहाँ दिया हुआ है, एक से ज़्यादा वांट ऑफ कितना होता है इसका, इसका एक से कम। अब देखो ऑप्शन, अब ऑप्शन इसी के अकॉर्डिंग निकालना है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, आई बराबर क्या है, जीरो। अगला कह रहा है आई बराबर एक, आई बराबर क्या है, दो, आई बराबर क्या है, अरे वांट ऑफ गुणा, ऑप्शन देखो एक से कम कौन सा है, जीरो ही देना पड़ेगा, देखो ऑप्शन यही है ना, हाँ तो ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, एक से, और ऐसा वाला कहाँ पे है, सेकंड क्या हो गया, बी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, जीरो से क्या होता है कम, वो कितना भी हो सकता है लेकिन जीरो से क्या होता है, कम, तो कम में ऑप्शन अपने पास जीरो ही था। अगला कह रहा है कौन सा आदर्श विलयन, कौन सा आदर्श विलयन है
आदर्श विलयन देखो, जल तथा एथेनॉल, एसीटोन तथा एथेनॉल, बेंजीन तथा टोलुइन, कौन सा है? आदर्श विलयन तो बेंजीन तथा टोलुइन, ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। अगला कह रहा है धनात्मक विचलन के लिए सत्य कथन है। देखो धनात्मक विचलन के लिए पहले तो अपन देख बात करते हैं डेल एच मैक्सिमम पॉइंट की बात करें तो धनात्मक विचलन के लिए क्या हो जाता है? अरे हाँ है ना, धनात्मक का मतलब अपन ने बोला था जीरो से ज़्यादा, अरे हाँ है ना। और अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो वो ऊष्मा शोषी होता है क्या? ऊष्मा शोषी। अगर डेल एच मैक्सिमम जीरो से कम हो तो उसको अपन क्या कह सकते हैं? ऊष्मा क्षेपी। और ये किसके लिए लागू होता है? नेगेटिव। और ये किसके? धनात्मक और ये ऋणात्मक विचलन के लिए। तो ऑप्शन देखते जाना, इस हिसाब से पूछा किसका है? धनात्मक का पूछा है ना, तो देखो धनात्मक के लिए क्या कह रहा है? डेल एच मैक्सिमम क्या आ गया? जीरो से ज़्यादा होगा, ऊष्मा शोषी होगा, सही कह रहा है। अगला कह रहा है डेल एच जीरो से ज़्यादा आएगा ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी तो किसमें होता है? ऋणात्मक। अगला कह रहा है डेल एच मैक्सिमम जीरो से कम होगा लेकिन उस कम नहीं होता, ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन पहला ही चला गया, अरे हाँ है ना। और क्या है? ए। ये सॉल्यूशन देखते जाना ना ताकि आपका रिवाइज होते रहे चैप्टर पूरा। अगला कह रहा है शीतल पेय में CO2 की विलयता उच्च दाब पर बढ़ती है घटती है? अरे ये कह रहा है अगर मैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल को, शीतल पीने वाला जल जो है कोल्ड ड्रिंक, उसको अगर मैं फ्रीज में रख दूंगा तो इसके अंदर CO2 की जो विलयता है वो बढ़ती है या घटती है? तो जितनी ठंडी होगी उसमें से गैस उतनी ही ज़्यादा निकलती है, मतलब कहीं ना कहीं वो मिक्स ज़्यादा थी उसमें, अरे है ना, तो बढ़ती है विलयता। क्या करती है? अरे क्या होती है? उच्च दाब। और दाब कब बढ़ता है? जब टेम्परेचर क्या हो जाए उसका? अरे टेम्परेचर क्या हो जाए? कम। तो अपने क्या पढ़ा है? बढ़ती। और बढ़ती हुई ऑप्शन कहाँ है? सेकंड। अगला क्या कह रहे हैं? सांद्रण विलयन है, सांद्रण विलयन में क्या होता है? एक विलयन है हमारे पास और इस विलयन में देखो क्या है, यहाँ पे क्या बड़ा बराबर विलायक और इसमें क्या डालूंगा मैं? विलय। और बन जाएगा क्या ये विलयन? तो ये कह रहा है कि इसको सांद्रण करना है मुझे। सांद्रण का मतलब अपन ने बोला था गाढ़ा, इसको गाढ़ा करना है। तो गाढ़ा तब होगा जब जितना ज़्यादा विलयन विलय डालूंगा इसमें उतना ही गाढ़ा होगा, तो विलय की मात्रा क्या हो जाएगी इसमें? ज़्यादा। ऐसा ऑप्शन देखो, ये कह रहा है कम विलय ना, कम विलय तो तनु कहलाता है, है ना। अधिक विलायक, अधिक विलायक भी तनु कहलाता है। कम अधिक विलयन, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन क्या है पेस्ट देखो, अधिक विलय, अधिक विलय मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये सांद्रण हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है? रहा है ना, ये आपके पेपर के साथ ही आप ये उतारते रहे ना, ये ट्रिक वगैरह है जो आगे जाके आपको दिक्कत नहीं आए, साथ साथ ही करते जाओ। वाष्प दाब में डाइमर बनाता है, वाष्प दाब। अरे जब इन यौगिक, इनमें से कौन से वो यौगिक है जिनको अगर अपन गर्म करते हैं वाष्प अवस्था में डाइमर बनाते हैं, डाइमर बनाते हैं? पहला ऑप्शन क्या है देखो, देखते जाओ, BeCl2। अरे हाँ है ना, बिल्कुल सही बात है सर, ये वाष्प में क्या बनाते हैं? डाइमर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डाइमर बनाते हैं, अरे हाँ यार। अगला कह रहा है AlCl3। अरे ये भी क्या बनाता है वाष्प में? डाइमर। और लिखा है वह नोट में, ये दोनों ही ऐसे यौगिक है जो डाइमर बनाते हैं। अरे ऐसा करके कुछ बताया हुआ है क्या? याद करो, अरे हाँ है ना, अरे याद करो, अरे अरे याद करो, बता रखा है क्या? इनको डाइमर कहते हैं भैया, ऐसे वाले यौगिकों को क्या कहते हैं? डाइमर। ऑप्शन कौन सा आ गया? थर्ड। दोनों के दोनों बनाते। अगला कह रहा है अंडे के कवच में मुख्यतः पाया जाता है, ओ क्या क्वेश्चन दिया यार, किसको नहीं आता रही है? क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। आ गया, कौन सा है इसमें? बी, बी पे है ना कैल्शियम कार्बोनेट। अगला कह रहा है BCl3 का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, संकरण पूछा है, तो स्ट्रक्चर से देख लो पहले, ये लो सी सी सी। मैंने बोला था एक डंडी, दो डंडी, तीन डंडी, ओ तीन डंडी मतलब तीन सिग्मा। अरे तीन बॉन्ड है, तीन बॉन्ड के क्या हो गए? तीन सिग्मा। और तीन सिग्मा का संकरण क्या होता है? HP। अरे बोलो,
अरे आयन ऑप्शन देखते जाओ कहाँ पे। अगला कह रहे देखो वैसे देख लो, बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। जुड़े हुए कितने हैं? 3। बट्टा कितना है? 2। 6/2 कितने हो गए? 3। 3 का संकरण क्या हो गया? sp2। ऑप्शन कौन सा है क्वेश्चन के 21वां? आंसर क्या आ गया? बी पे आ गया sp2। बी अरे sp2 आ गया। अगला कह रहा है डाइबोरेन, और डाइबोरेन देखो बना लो आप एक बार, B2S6, और इसका संकरण पूछा है आपको डाइबोरेन का, और डाइबोरेन का संकरण क्या आएगा? कुछ ऐसा बनेगा क्या? कितने बॉन्ड है? 4, और 4 का क्या होता है? sp3। तो बना दो sp3 कितने पे? C करवा रखा है ना, स्ट्रक्चर बना रखी है डाइबोरेन की। तो अपन ने अगला कह रहे हैं जल का बंद कोण कितना होता है? लो ये ला जल H2O H रहा है ना, ये क्या है अपने लन पर, ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। तो ये वाला पूछा है रहा है ना H2 का बंद कोण, अगर सॉरी हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे तो कितना बताएंगे? सेंटर एटम कौन है? 6। जुड़े हुए कितने हैं? 2। बट्टा 8/4, और 4 का क्या होता है? sp है ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp। इसके लिए पूछा है तो इसका कोण कितना बताते हैं अपन? 104 डिग्री, 28 मिनट रहा है ना, बहुत बार पूछा हुआ है। ऑप्शन देख लो जिसके इसके आसपास कोई कोण हो तो देखो 120 नहीं होता, 90 नहीं होता, 72 नहीं होता, 104 दे रखा है, और 104 कहाँ पे रे? थर्ड पे है गया सी। अगला कह रहे हैं बहुलक के लिए अशक्त है, बहुलक पॉलीमर के लिए क्या क्या अशक्त कथन है? छोटी इकाइयों का समूह होता है पॉलीमर, बिल्कुल सही बात है। स्टार्च एकलक इकाई होता है? नहीं, बहुलक होता है भैया ये, और ये कह रहा है कि बहुलक को दर्शाते हैं अपन ऐसे, तो कहीं सही बात है भैया, बहुलक को ऐसे ही दर्शाया जाता है। उपयुक्त सभी तो असत्य कथन कौन सा है बहुलक के लिए? तो स्टार्च क्या होता है? अरे तो बहुलक है ना भैया स्टार्च, तो ऑप्शन डी आंसर क्या है ये गलत। अरे हाँ यार देखते जाओ। अगला कह रहा है CaOH प्लस में CO2, ये कह रहा है अगर ऐसा कुछ बनता है तो ये वाला जो A है ये क्या है? ये A बताओ क्या है, तो क्या है भैया? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट रहा है ना, ऑप्शन कहाँ है ऐसा वाला जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है? बनाना तो आ रहा है ना, हाँ सबसे छोटी वाली रिएक्शन दी है, हाँ तो कौन सा है? थर्ड आंसर, सेकंड आंसर, सेकंड पे है ना कैल्शियम कार्बोनेट। अगला कह रहे हैं हेबर विधि, हेबर विधि के लिए क्या बताया गया? बड़ा छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, हेबर विधि किसके लिए होती है? NH3 के लिए। ऑस्टवार्ड किसके लिए होती है? नाइट्रिक एसिड के लिए। अरे संपर्क विधि किसके लिए होती है? H2SO4। सारी करवा रखी, पूछा क्या है देखो तुम, खत्म आए ना, गुस्सा रहा होगी सर हम इतना पढ़ रहे हैं पूछ क्या रहे हो एकदम खत्म क्यों? अरे हाँ ना। अगला कह रहे जीनोन के यौगिक नहीं है, जीनोन कौन कौन से यौगिक देता है? डाई देता है, टेट्रा देता है, हेक्सा देता है, और ये देता है जो कि एक शर्त है किसका देता है? फ्लोराइड। तो जीनोन F2 देता है, हाँ जीनोन F4 देता है, जीनोन F6 देता है, इनके अलावा कोई ऑप्शन में तो वही गलत है। तो देख लो कौन है, F2 F3 कहाँ देता है?
H3 नहीं देते। अगला कह रहा है अधिकतम ऊर्जा का स्रोत है, हो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और वसा। तो सबसे ज़्यादा 9 के आसपास, 9 कितनी किसकी मिलती है, अरे किसकी मिलती है, वसा की। और वसा कौन से ऑप्शन पे, ए पे। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुतिरोधी कौन सा, एंटीसेप्टिक के बारे में पूछा, कौन सा, पैरासीटामोल है, एल्यूमिनियम ल्यूमेन है, डिटॉल है या प्रोथियोजीन है, तो कौन सा है, डिटॉल। 28 में क्या आ गया अपना, डिटॉल किस पे, सी पे। अगला कह रहा है जैव बहुलक है, और जैव बहुलक कौन है, जैव बहुलक प्रोटीन होता है, और प्रोटीन कौन से ऑप्शन पे, ए पे। तीसवा देखो कौन सा है, प्राकृतिक बहुलक कौन कौन से, प्राकृतिक बहुलक पीवी नहीं है, टेफ्लॉन नहीं है, पॉली एथिलीन नहीं है, कौन सा है, सेल्लोज। सेल्लोज पे देखो कौन सा है, अरे ऑप्शन सेल्लोज, ए। अगला कह रहा है न्यूनतम बंद कोण होता है किसके अंदर, ऐसा है जिसमें न्यूनतम बंद कोण होता है, संकरण दे रखा है SP, SP2, SP3, इसमें 180 होता है, इसमें कितना होता है, 120 होता है, और इसमें 120 से भी कम होता है, बेहतर आया ना, 90 बहुत सारे देखे जाते हैं इसमें, तो सबसे कम किस में दिखाया जा रहा है, बेहतर कम सा है, ऑप्शन बी, SP3 बी है ना, सी पे। SP3 कहाँ है, सी पे। 33 देखो, जिप्सम में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, और जिप्सम में अधिकतम मात्रा में क्या पाया जाता है, अरे क्या पाया जाता है, जिप्सम में अधिकतम मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम किस पे है, बी पे। अगला कह रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव अधिकतम कौन दर्शाता, हाँ ऐश में लोग लीना करे रब से फरियाद, सबसे ज़्यादा कौन दर्शाता है, सी एस कहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्युत प्रभाव ये दर्शाता है। अगला कह रहा है जलीय विलयन में चालकता कम होती है, सबसे कम चालकता, सबसे अधिक तो किसकी होती है, लिथियम की, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लीना करे रब से फरियाद, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, तो चालकता सबसे कम किसकी है, सी एस, और सी एस कहाँ पे भैया, थर्ड पे, सी। अगला कह रहा है सबसे छोटा आयन कौन सा है, जितने प्लस वो उतना ही छोटा, तो देखते जाओ एफ कौन कौन सा है, प्लस वाला है Li, सॉरी सोडियम प्लस, एल्यूम प्लस 3, Mg प्लस 2 और Si प्लस 4। ये कह रहा है सबसे छोटा कौन सा है, जितने प्लस ज़्यादा साइज उतनी ही कम, अरे हाँ ही है ना, ऑप्शन कौन सा क्या, डी। ओके अगला कह रहा है उदासीन विलयन की पीएच कितनी होती है, उदासीन कितने पे आता है, सबसे इजी क्वेश्चन, 7 पे कहाँ पे दे रखा है, बी पे दे रखा है 7। अगला कह रहा है सबसे कम विद्युत ऋणी किसका, सबसे कम विद्युत ऋणी मतलब जिसका आकार साइज ज़्यादा होती है, अरे साइज ज़्यादा तो विद्युत ऋणता क्या हो जाती है उसकी, क्या हो जाता है विद्युत ऋणता, कम। तो देखो सबसे ज़्यादा साइज किसकी है, सबसे ज़्यादा आउट सारणी में ही सबसे ज़्यादा सी है इसकी, तो क्या हो गया, अरे ऑप्शन कहाँ पे, सी पे। अगला क्या कह रहे हैं सर्वाधिक स्थायी यौगिक कौन सा है, देखो स्थायी यौगिक की बात कर रहे हैं अपन, ऑप्शन देखते जाना, HCl3, SbH2, SiH4, PH3। देखो इसमें भी लोन पेयर आपको मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे, और इसमें तो बनता ही नहीं है रही है, वह हाँ ना, एग्जैक्ट कौन सा बन रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लो तो सबसे स्टेबल कौन सा हो जिसके अंदर लोन पेयर किस्म के नहीं, देखो सारे के सारे बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं, अरे हाँ है ना तो कौन सा है, कितने पे है ये वाला, 3 पे, हाँ है ना। एक और क्वेश्चन था आपका जो वहाँ पे अपने ऐड किया था 40 में कि प्रोथ्रोम्बिन किससे निष्क्रिय होता है, ये भी आपको कहाँ बनना था, यहाँ पे बनना था, तो इसमें कौन सा था, प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, अरे क्या होता है, निष्क्रिय, और निष्क्रिय वहाँ पे ऑप्शन क्या था, फर्स्ट।
तो वो वाला क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के अंदर ऐड करवाया गया था, ये वाला, ये लो केमिस्ट्री। तो अब मेरे सभी बालक, अब आ गया अपना मुद्दा जिसका था इंतज़ार, और इंतज़ार था कि 40 में से 40 का केमिस्ट्री हुआ, और बायो में भी अपन ने क्या बात करी थी, 40 में से 40, क्योंकि पेपर बड़ा ही इजी बनाया गया रहा यार। तो ये वाले बच्चे भी मुझे बताएं, और ये वाले भी बताएं, सभी के सभी आया ना, और सभी ये भी बताएं कि कैसा चल रहा है, पूरा प्रॉपर चल रही है क्लास वगैरह है। और ये ज़रूर बताना कि पेपर जो है वो वैसा ही आ रहा है जैसा करवाया जाता है। सारी बातें आप मेरे से शेयर करोगे, कोई पर्सनल डाउट है वो भी पूछो, डाउट नहीं है तो भी कहीं से निकाल के पूछो, हाँ या ना, मिलके पूछो, या आप यहाँ पर भी अगर आप बोलोगे ना मुझे तो भी उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। तो जितने भी डाउट वगैरह है बताइए, और ये ज़रूर बताएंगे सारे बच्चे, जैसे टोटल अगर अपन करेंगे ना तो इनमें से मुझे ज़रूर बताएंगे। और वो बच्चा सबसे पहले कमेंट करना जिसके कितने हो रहे 76 क्वेश्चन से अबव सही हो, वो बच्चा तो अगधार है, मतलब सबसे पहले कमेंट करने का ना, हाँ या ना, क्योंकि उसी को सम्मानित किया जाएगा। तो वो बच्चा मुझे ज़रूर मैसेज करें, और जैसे ही सॉल्यूशन करें तुरंत करें, जैसे ही सॉल्यूशन देखने के बाद में तुरंत कमेंट करें, ये वाला। और ये बच्चा मेरे सामने ही नहीं आया है ना, ये वाला तो बिल्कुल सामने ही नहीं आ जाना मेरे ना, ये वाला, इससे कम वाला नहीं आए सामने, और इसके ऊपर वाले मुझे तुरंत मिले। ये वाला तो फिर मुझे पर्सनली मिलो ना, उनसे बात करेंगे, ठीक है, बाय।